हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और टेस्टी बटर चिकन का रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। तो बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है। उसमें मैंने मिलाया है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट, हंग कर्ड, और मैंने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला और कसूरी मेथी, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मिक्स किया है, और सारी चीजों को अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मैंने मिला लिया है, और 3 और 4 घंटे तक इसको आपको मैरिनेट करके एकदम छोड़ देना है। फिर मैंने एक फ्राइंग पैन में बहुत सारा ऑयल ले लिया है, क्योंकि ये बटर चिकन है तो ऑयल का थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, और इसमें मैंने सारे चिकन पीसेस मैं ऐड कर रही हूँ, और 5 मिनट तक मैं इसे पलट पलट के फ्राई करूंगी। 5 मिनट तक जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तभी इसको हमें उठा लेना है। इसे बहुत देर तक फ्राई मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो ही इसको उठा लेना है। फिर से मैंने ऑयल ले लिया है पैन में, इसमें ऐड करी हूं मैं रफली चॉप्ड अनियन, बहुत ही बारीकी से चॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने ऐड किया है कुछ गार्लिक क्लोव्स, थोड़ा सा जिंजर, छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे मैंने, और 4 या 5 मैंने यहाँ पे भिगो के रखे थे कैशूज वो भी मैंने ऐड कर दिया, चॉप टमेटोज भी मैंने ऐड किया है, और बहुत अच्छे से इसको अभी फ्राई करना है और फिर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब थोड़ा सा ऑयल मैंने गरम किया है और उसमें मैंने ऐड किया है बटर। अब गरम तेल में हमें जीरा, धनिया, रेड चिली और गरम मसाला पाउडर को अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लीजिए और कलर देखिए कितना बढ़िया आता है। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए मिक्सी में पीसा हुआ जो पेस्ट है उसे, और 2 मिनट तक बहुत अच्छे से चला लीजिए ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। 5 मिनट तक अगर आप इसे अच्छे से सौते करेंगे तो देखिएगा ये मसाला सूख भी जाता है। फिर इसमें चिकन पीसेस मैंने ऐड किया है, और चिकन पीसेस को थोड़ी देर के लिए अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट काफी है इसके लिए। और फिर इसमें 1 कप वाटर ऐड कर दीजिए ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए। मैंने बहुत अच्छे से चिकन पीसेस को मिला लिया है पानी के साथ, और फिर मैं लीड लगा दूंगी और 10 मिनट तक मैं चिकन को पकने के लिए समय दूंगी। देखिए चिकन हम लोगों का हो चुका है, मैंने लीड भी खोल दिया है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इतना अच्छा कलर सिर्फ ढाबे वाले चिकन में होता है। अब मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कंडेंस्ड मिल्क यूज किया है, चीनी भी आप लोग यूज कर सकते हो, और फिर ऊपर से ऐड कर दीजिए खूब सारा फ्रेश क्रीम, मैंने यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम ऐड किया है। बस हो चुका है हम लोगों का बटर चिकन रेडी। तो देखिए कितना लजीज हुआ है ये दिखने में। इसे सर्व कर लीजिए और ऊपर से डाल दीजिए बहुत सारा फ्रेश क्रीम, क्योंकि क्रीम ही बटर चिकन का मेन इंग्रेडिएंट है, और इसे गार्निश कर लीजिए चॉप धनिया पत्ते के साथ, ऊपर से ऐड कीजिए थोड़ा सा बटर। बस रेडी हो चुका है बटर चिकन, इसे एंजॉय करो आप लोग पराठे या फिर राइस के साथ। और अगर ये रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। मैं फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।